हाँ तो बच्चों, आज के इस कालखंड में हम आपको अव्यक्तता का सिद्धांत के बारे में बताएंगे, साथ ही सांतत्य के समीकरण बताएंगे और द्रव में बहने वाली ऊर्जा के बारे में बताएंगे। तो पहले अपन देखते हैं अव्यक्तता का सिद्धांत। तो इनको देखने के पहले हम देखते हैं कि आदर्श द्रव किसको बोलते हैं। तो ऐसे द्रव होता है जो असंपड़ी, असंपड़ी मतलब जब उनको दबाएंगे तो उनके आयतन और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो जो द्रव असंपड़ी और अस्यान मतलब जिसमें स्यानता नहीं होती है, जो बिना विरोधी बल के बहती है, तो ऐसे द्रव को क्या बोलेंगे, आदर्श द्रव। तो ऐसा द्रव जो असंपड़ी और अस्यान होती है उसे हम बोलते हैं आदर्श द्रव। तो इसी द्रव के बारे में हम पढ़ते हैं अव्यक्तता का सिद्धांत। तो पहला अपन देखते हैं अव्यक्तता का सिद्धांत क्या होता है। तो अव्यक्तता का सिद्धांत बोलता है कि यदि कोई असंपड़ी या अस्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव जब किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद काट वाली नली में बह रही होती है और उनका प्रवाह धारा रेखी होता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रवाहित द्रव का वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है जो कहलाता है अव्यक्तता का सिद्धांत। किसको बोलेंगे अपन, किसी असंपड़ी या अस्यान द्रव, अस्यान द्रव या इसी को अपन क्या बोलते हैं, आदर्श द्रव या आदर्श द्रव। कोई असंपड़ी या अस्यान द्रव जिसी को अपन क्या बोलते हैं, आदर्श द्रव, यदि यदि किसी असमान असमान अनुप्रस्थ काट वाली असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली जिनका मतलब होता है कि नली का जो चौड़ाई है वो सभी जगह एक समान ना हो। तो जब कोई असंपड़ी या अस्यान द्रव जिसे हम बोलते हैं आदर्श द्रव, जब किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली पर प्रवाहित होती है पर प्रवाहित होती है तथा इनका प्रवाह इनका प्रवाह इनके प्रवाह को कैसा माना जाता है, धारा रेखी। हम आपको बताया था धारा रेखी प्रवाह किनको बोलते हैं, जब द्रव इस प्रकार से बहती है कि द्रव का जो पहले वाले कण होता है जिस मार्ग का अनुसरण किया रहता है उसी मार्ग में उसके बाद वाली कण जाती है, तो उसके इस प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखी प्रवाह। तो जब नली प्रवाहित होती है और इनका प्रवाह धारा रेखी होता है इनका प्रवाह धारा रेखी होता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल व प्रवाहित द्रव का वेग प्रवाहित द्रव का
वेग का गुणनफल वेग का गुणनफल एक नियत राशि होती है, एक नियत राशि होती है जो कहलाती है अवितत्ता का सिद्धांत। अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर जब कोई असंपड़ी और अस्यान द्रव होता है किसी अनुप्रस्थ काट वाली नली पर प्रवाहित होती है और उनका प्रवाह धारा रेखी होता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रवाहित होने वाली द्रव का वेग का गुणनफल एक कैसी होती है, नियत राशि होती है। इनको यदि हम गणितीय सूत्र रूप में लिखना चाहेंगे तो मान लेते हैं, माना माना किसी नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए व प्रवाहित द्रव का वेग वी हो तो वी गणितीय विधि में अपन लिखना चाहेंगे तो मान लेंगे किसी भी नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मान लेते हैं और प्रवाहित द्रव का वेग को वी मान लेते हैं तो अवितत्ता के सिद्धांत से ए इंटू वी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित वेग ये होती है एक नितांक या नियत राशि के बराबर होती है। अर्थात ए वी इक्वल टू नितांक, जिनको यदि हम लिखना चाहें तो दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इसको अपन लिख सकते हैं कि यदि दो नली है जिनका क्षेत्रफल पहले का ए वन और वेग वी वन और दूसरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि ए टू और वेग वी टू मानते हैं तो इनके आधार पर अवितत्ता के सिद्धांत के आधार पर सूत्र हमारा आएगा ए वन इंटू वी वन इक्वल टू ए टू इंटू वी टू। ये जो समीकरण आया हुआ है और इसी समीकरण को हम बोलते हैं सांतत्य का समीकरण। इस प्रकार अवितत्ता के सिद्धांत से अवितत्ता का सिद्धांत ए इंटू वी इक्वल टू नितांक होता है, जिनको हम गणितीय रूप में लिखना चाहेंगे तो ए वन इंटू वी वन इक्वल टू ए टू इंटू वी टू। अब ये जो समीकरण हमको प्राप्त होता है ये कहलाता है सांतत्य का समीकरण। ठीक है, तो हम देखे थे अवितत्ता का सिद्धांत जिसमें बताया गया है आपको कि कई आदर्श द्रव होता है जब अनुप्रस्थ काट की नली में प्रवाहित होता है उनका प्रवाह धारा रेखा होता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल एक नितांक होती है जो अवितत्ता का सिद्धांत कहलाता है। और इसी पर चूंकि नितांक होती है मतलब दो नली मान लेंगे, दोनों का अनुप्रस्थ काट पर ए वन ए टू मान लेंगे, वेग वी वन वी टू मान लेंगे तो इस सिद्धांत के आधार पर ए वन इंटू वी वन इक्वल टू ए टू इंटू वी टू प्राप्त होगी जो हमारी कहलाएगी सांतत्य का समीकरण। चलिए इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, ये किस प्रकार से प्राप्त होता है। अवितत्ता का सिद्धांत की व्युत्पत्ति करते हैं, मान लेते हैं इस प्रकार से ये असमान अनुप्रस्थ काट वाली कोई नली दिख रहा है, इनका क्षेत्रफल होता है वो अलग अलग है। इस प्रकार से अपन मान लेते हैं अनुप्रस्थ काट वाली कोई नली x और y है
जिनके अनुप्रस्थ काट का इस पर दो बिंदु लेते हैं, एक ए और ये अपन बी ले लेते हैं। ठीक है, क्या माना गया है, माना एक्स वाई असमान अनुप्रस्थ काट वाली असमान अनुप्रस्थ काट वाली मान लिए एक्स वाई असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली है जिनके सिरा ए व जिनके दो सिरा इस प्रकार से ए व बी है, माना सिरा ए का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, इसका क्षेत्रफल हम मानते हैं A1 और वेग को मान लेते हैं V1। सिरा एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व वेग V1 है तथा सिरा B का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनको मान लेते हैं A2 व वेग को मान लेते हैं V2। इस प्रकार मान लिए एक्स वाई एक अनुप्रस्थ काट की नली होती है जिनके दो सिरे एक A और B मान लेते हैं, सिरे A का क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं और बहने वाले द्रव का वेग V1 मान लेते हैं, सिरा B का क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं और बहने वाले द्रव का वेग हम V2 मान लेते हैं। ठीक, माना द्रव का घनत्व दोनों स्थिति पर मान लेते हैं D है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं कि सिरा A में एक सेकेंड में यदि द्रव जो निकलती है वो V1 वेग से निकलती है सिरा ए में एक सेकेंड में द्रव V1 वेग से मान लेते हैं कि सिरा ए में द्रव होता है एक सेकेंड में V1 वेग से निकलती है तो एक सेकेंड में सिरा सिरा ए का आयतन होता है A1, इसका क्षेत्रफल A1 और ये आया V1, तो एक सेकेंड में सिरा ए का आयतन हो जाएगा A1 × V1। तो सिरा ए का द्रव्यमान यदि हम एक सेकेंड में प्रवाहित वेग V1 मान लेते हैं तो इनका आयतन हो जाएगा A1 × V1। तो सिरा ए का द्रव्यमान हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व, इसलिए एक सेकेंड में प्रवाहित
एक सेकेंड में प्रवाहित एक सेकेंड या प्रति सेकेंड एक सेकेंड या प्रति सेकेंड सिरा ए से प्रवाहित होने वाले द्रव का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है आयतन गुणित घनत्व। इसलिए प्रति सेकेंड सिरा ए से प्रवाहित होने वाले द्रव का द्रव्यमान आयतन हम निकाले हैं a1v1 और घनत्व हमको मालूम है d, अर्थात प्रति सेकेंड सिरा ए से प्रवाहित होने वाले द्रव का द्रव्यमान हो जाएगा a1v1 इंटू डी। इसी प्रकार से सिरा बी के द्वारा सिरा ए के प्रति सेकेंड प्रवाहित होने द्रव का द्रव्यमान हम निकाल चुके हैं a1b1d1। इसी प्रकार सिरा बी से प्रति सेकेंड प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान, फार्मूला इसके आधार पे क्या हो जाएगा, किसका क्षेत्रफल है a2 और वेग कितना है v2 और इसका भी घनत्व कितना हो जाएगा d। इक्वेशन सेकेंड मान लिए तो सिरा ए पर प्रति सेकेंड प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान हमको निकल गया a1v1 इंटू डी, और सिरा बी से प्रति सेकेंड प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान हमारे पास प्राप्त हो गया a2v2 गुणित d। चूंकि द्रव कैसी है, आसियान है, अतः हम मानते हैं कि जितना द्रव ए पर प्रवेश करेगा उतना ही द्रव किससे बाहर निकलेगा, ये बी सिरा से बाहर निकलेगा, ठीक है क्या। चूंकि द्रव आदर्श है, अतः सिरा ए से प्रवेशित द्रव का द्रव्यमान बराबर सिरा बी से निकलने वाली द्रव का द्रव्यमान। चूंकि हम द्रव को कैसा माना है, आदर्श माने हैं, असंपीड्य और आसियान माना है, इसी कारण क्या होगा कि जितना प्रति सेकेंड जितना सिरा ए से द्रव प्रवेश करेगा उतना ही जो द्रव है वह प्रति सेकेंड में सिरा बी से बाहर निकलेगी। अर्थात आदर्श स्थिति में सिरा ए से प्रवेशित द्रव का द्रव्यमान बराबर सिरा बी से निकलने वाली द्रव का द्रव्यमान, और हम यहाँ पर सिरा ए से प्रति सेकेंड निकलने वाली द्रव का द्रव्यमान ज्ञात कर चुके हैं a1v1 into d, साथ ही सिरा बी से प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले या निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान हम प्राप्त किए हैं a2v2 गुणित d। दोनों मान को पुट करते हैं, देखते हैं क्या इक्वेशन होता है हमारे पास। हमने समीकरण इक्वेशन एक और दो प्राप्त किए हैं,
तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो समीकरण एक व समीकरण दो से तो ए से प्रति सेकंड अंदर जाने वाले द्रव का द्रव्यमान जो हमको प्राप्त हुआ है ए वन वी वन इंटू डी इक्वल टू बी से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान ये हमको प्राप्त हुआ था ए टू वी टू इंटू डी। दोनों इक्वेशन में डी कैंसिल हो गया, हमारे पास फार्मूला आया ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू या ए वी इक्वल टू ए इंटू वी इक्वल टू नेतांग जो किनका समीकरण है अवृत्तता का सिद्धांत है। इस प्रकार से हमारा अवृत्तता का सिद्धांत की व्युत्पत्ति हो गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको बताया अवृत्तता का सिद्धांत जिसमें आपको बताया कि जब कोई असंपड़ी और अस्यान द्रव किसी असमान अनुपस्थ काट वाली नली से प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर उस पर जो नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और प्रवाहित द्रव का वेग होता है उनका गुणनफल एक नेतांक होती है जिनको हम प्रूफ किए हैं ए इंटू वी इक्वल टू नेतांक, यहाँ पर हमारा प्रूफ हो चुका है। हाँ, तभी हम देख रहे थे अवृत्तता का सिद्धांत। चलिए आगे हम देखते हैं तो किसी बहते द्रव में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊर्जा के लिए अपन व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो किसी भी बहते हुए द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जा का हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो बहते हुए द्रव में हम पहला देखते हैं बहते हुए द्रव की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बहते हुए द्रव में जो ऊर्जा होती है वो उनकी गति के कारण ऊर्जा होती है जिन्हें बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। तो मान लेते हैं, माना द्रव का द्रव्यमान, माना द्रव का द्रव्यमान स्मॉल m व द्रव का वेग यदि v हो तो किसी द्रव का द्रव्यमान m और उनका वेग v हो तो उस द्रव की गतिज ऊर्जा जिनका फार्मूला होगा हाफ द्रव्यमान गुणित वेग का वर्ग। अर्थात जब कोई द्रव बहती है एम द्रव्यमान की द्रव होती है वी वेग से बहती है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान होता है ये होता है हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस गतिज ऊर्जा को हम एकांक द्रव्यमान और एकांक वेग के लिए देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है। तो पहला अपन देखते हैं एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान के लिए गतिज ऊर्जा। तो एकांक द्रव्यमान के लिए गतिज ऊर्जा अर्थात इस गतिज ऊर्जा को हम द्रव्यमान से विभाजित कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी का वर्ग बटे एम, एम एम इनका कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया एकांक द्रव्यमान के लिए गतिज ऊर्जा हमको प्राप्त हो गया हाफ वी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको आयतन के लिए देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना आयतन को हम कैपिटल वी मान लेते हैं क्योंकि ये माना गया है वो द्रव का है तो आयतन वी है
कैपिटल वी है तो एकांक आयतन तो अपन देखते हैं कि एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा ये हमारा फार्मूला होगा हाफ एम इंटू वी का वर्ग बटे आयतन कैपिटल वी। परंतु हम जानते हैं कि स्मॉल एम बटे कैपिटल वी द्रव्यमान बटे आयतन फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन बराबर ये होता है द्रव का घनत्व जिनको हम नोट करते हैं डी से। इसलिए प्रति एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा हमको मिल जाएगा हाफ डी इंटू वी का वर्ग। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा जिनके लिए फार्मूला है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, यदि इस गतिज ऊर्जा को हम एकांक द्रव्यमान के लिए निकालें तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन आता है एकांक द्रव्यमान द्रव्यमान से भागित कर दिए तो हाफ वी का वर्ग आ जाएगा। और इसी ऊर्जा को यदि हम एकांक आयतन के लिए निकालेंगे तो एकांक आयतन के लिए वी से जब इसको भागित करेंगे तो एम बट्टे वी होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन किसी द्रव का घनत्व डी, अर्थात एकांक आयतन के लिए फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/2 d इंटू वी का वर्ग। चलिए आगे अब देखते हैं गतिज के बाद स्थितिज ऊर्जा। सेकेंड प्रकार की इनमें ऊर्जा होती है वह उनके स्थिति या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। फार्मूला देखते हैं माना एम द्रव्यमान एम द्रव्यमान की द्रव को यदि h ऊंचाई यदि एम द्रव्यमान की द्रव को h ऊंचाई तक ले जाया जाए तो उस द्रव की स्थितिज ऊर्जा होती है तो उस द्रव की स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है m इंटू गुरुत्वीय त्वरण g गुणित ऊंचाई h, अर्थात उनकी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है m इंटू g इंटू h। चलिए इस स्थितिज ऊर्जा को हम एकांक द्रव्यमान और एकांक आयतन के लिए प्राप्त करते हैं तो एकांक द्रव्यमान के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा के लिए हम जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा आया हुआ है m इंटू जी इंटू एच इनको द्रव्यमान द्रव के द्रव्यमान m से विभाजित कर देते हैं तो एकांक द्रव्यमान के लिए हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होगी वो प्राप्त होगी गुरुत्वीय त्वरण गुणित उनकी जो ऊंचाई अर्थात g इंटू एच। इसी प्रकार अपन देखते हैं एकांक आयतन V के लिए स्थितिज ऊर्जा। एकांक आयतन कैपिटल V के लिए
एकांक आयतन V के लिए स्थितिज ऊर्जा, तो ये हमको प्राप्त होगा जो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त किए हैं m into g into h, इनको हम आयतन V से विभाजित कर दिए तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा m into V g into h। परंतु हमको मालूम है m into capital V बराबर, हमने आपको बताया था द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है द्रव का घनत्व, अर्थात m into V equal to d, अर्थात एकांक आयतन के लिए किसी द्रव की स्थितिज ऊर्जा ये होगी घनत्व गुणित गुरुत्व त्वरण गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर हमने आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। अब चलते हैं इसमें तीसरी जो ऊर्जा होती है वो होती है दाब ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा के लिए हम देखते हैं, तीसरी प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो होती है दाब ऊर्जा, जिनके लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए मान लेते हैं, माना किसी द्रव नली द्रव नली का क्षेत्रफल ए, यदि इस पर दाब पी आरोपित किया जाता है यदि इस पर दाब P आरोपित किया जाता है तो वस्तु x दूरी विस्थापित होती है तो दाब ऊर्जा तो उस तरल की दाब ऊर्जा बराबर द्रव के द्वारा किया गया कार्य। दाब ऊर्जा का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा उस द्रव के द्वारा किए गए कार्य के मान के द्वारा। तो द्रव के द्वारा किया गया कार्य का हमको फार्मूला मालूम है, बल गुणित विस्थापन या दूरी। तो किया गया कार्य हो जाएगा बल गुणित विस्थापन, और बल का फार्मूला हमको दाब के रूप में ज्ञात करनी है, तो ये होता है दाब गुणित क्षेत्रफल गुणित जो विस्थापन आया हुआ है वो। तो दाब ऊर्जा हमको मिल गया, दाब हम माने हैं P, क्षेत्रफल हम माने हैं A, और विस्थापित हमारा हो रहा है X, अर्थात उस द्रव के लिए दाब ऊर्जा आ गया P into A into X। चलिए अब इस दाब ऊर्जा को दो स्थिति पर प्राप्त करते हैं, पहला एकांक द्रव्यमान के लिए तो एकांक द्रव्यमान के लिए दाब ऊर्जा हमारे पास आ गया है, दाब ऊर्जा हमको मालूम है P into A into X बटे द्रव्यमान हम मान रहे हैं M, इनको व्यवस्थित लिखते हैं तो हमको मालूम है P A into X ये होता है आयतन V, यहाँ पर हम बता दिए A into X ये क्या होता है आयतन V, क्योंकि A होता है क्षेत्रफल और X होता है विस्थापन, तो क्षेत्रफल गुणित विस्थापन या दूरी ये हो जाता है आयतन। तो ये हो जाएगा P A into X हो जाएगा V अपॉन M, अर्थात
एकांक द्रव्यमान के लिए दाब ऊर्जा हम V को लिख सकते हैं पी एम अपान वी लिखा जा सकता है। ये देखते हैं अपन वी को ये अगर ट्रांसफर करके ले जाना चाहें तो ऊपर ये जा सकती है, इस कारण इसको लिख सकते हैं पी अपान एम इंटू वी। और हमको मालूम है द्रव्यमान बटे आयतन, बताया गया था आपको घनत्व, अर्थात एकांक द्रव्यमान के लिए दाब ऊर्जा आएगा पी अपान टी। चलिए इसको देखते हैं अपन एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन के लिए दाब ऊर्जा, तो दाब ऊर्जा हमने प्राप्त किया है P इंटू ए इंटू एक्स अपान एकांक आयतन की जब बात करेंगे तो आयतन भी से इनको विभाजित कर दिए। पुनः आपको बताया गया है क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, ये होता है आयतन V, ए इंटू एक्स इक्वल टू हमको क्षेत्रफल गुण विस्थापन क्या मिलता है आयतन मिलता है, अर्थात V कैंसिल हो गया तो एकांक आयतन के लिए दाब ऊर्जा हमको प्राप्त हो गया P। तो यहाँ पर हमने आप आज के इस अध्याय में हम आपको अवरक्तता का सिद्धांत, सांतत्य समीकरण के बारे में बताया, साथ ही साथ हम उसको किसी भी द्रव में बहने वाली द्रव की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त किए उनके दो स्थिति पर, पहला एकांक द्रव्यमान के लिए, दूसरा एकांक आयतन के लिए। तो हमने आपको बताया कि द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, और तीनों प्रकार की ऊर्जा के लिए एकांक द्रव्यमान और एकांक आयतन के लिए इनका व्यंजक प्राप्त किए। अगला जो कालखंड होगा उसमें हम आगे के बारे में बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।